जहां हम बिलीव करते हैं कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टोरीज लेकर आए स्टार्टअप फाउंडर्स की, क्योंकि डायलॉग स्ट्रॉन्ग तो स्टोरी स्ट्रॉन्ग। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं कविता रलहन और हम हैं RCF स्टूडियो में। और ये कहां है स्टूडियो? ये स्टार्टअप महाकुंभ का हिस्सा है जहां पे बहुत सारे फाउंडर्स इकट्ठा हुए हैं अंडर वन रूफ। अलग अलग कॉन्सेप्ट सुनने को मिल रहे हैं, अलग अलग लोगों की स्टोरीज जानने को मिल रही हैं। और फिलहाल मेरे साथ हैं दानिश, जिनका मैं वेलकम करना चाहूँगी। और इनकी क्या स्टोरी है, इनकी क्या कहानी है, आइए इनसे जानते हैं। एंड एक बार फिर से बता दूँ, ये RCF स्टोरी जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इट्स प्रेजेंटेड बाय डालमिया सीमेंट। सो दानिश, वेलकम टू RCF स्टूडियो। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप बताइए। सो टेल मी, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्टार्टअप? सो माय नेम, द नेम ऑफ माय स्टार्टअप इज एबर्ट्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ओके। एंड वी आर एन एग्रीटेक फोकस्ड ड्रोन मैन्युफैक्चरर बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे। बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे। सो इन व्हिच ईयर डिड यू स्टार्ट? सो वी स्टार्टेड इन 2022 एंड इट्स बीन अ वेरी गुड बट चैलेंजिंग जर्नी सो फार। What we did was, saw a lot of white space in the agriculture market. I'll tell you a little background about myself. मैं ना ड्रोन इंडस्ट्री में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। Okay. मैंने काउंटर ड्रोन्स, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम्स, सर्वेलेंस ड्रोन्स के अराउंड काम किया है। So, पहले आपने जॉब की है? Yes, मैंने पहले जॉब की डिफेंस सेक्टर में। Okay. जहाँ पे मैंने नॉर्दर्न कमांड, अपने इंडियन आर्मी का जो नॉर्दर्न कमांड है, वहाँ पे हमने 15 काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस डिप्लॉय किए, सप्लाई किए उन्हें। I have worked with multiple state police departments. I did a 40 crore project in the state government of Rajasthan, where we were looking after the 5 tiger reserves of Rajasthan, where we deployed 8 UAVs for anti-poaching and wildlife security. Wow. And we set up a command control center where all these UAVs data was coming in live. So that was one key project that I did. What made me start this was the operational experience that I gained during my tenure working with Indian Eye, my previous job. So we saw a lot of white space in the agriculture drone sector. Now we saw that there were companies that were providing agricultural drones. So looking at the white space and India being an agriculture backed economy, we know that the target market is huge. Yeah. So we started working on our prototype. We developed our initial prototype. It took us about 6 to 7 months to develop the initial prototype. What we did, we spoke to our clients. We worked with Godrej Agrovet. We worked with Bayer, a lot of seed distribution companies. We put the prototype to test in the real agriculture setting. Yeah. उससे क्या हुआ? हमें पता चला कि हमारे ड्रोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। Yeah. Initially हमारे काफी सारे क्रैशेस हुए। We understood what the problem was, we identified the problem and we iterated the drone. हमने इसको एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट बनाया। अभी हम अगर खेतों में जाते हैं तो हमेशा वाटर सोर्स फील्ड के बाजू में नहीं होता है। आपको ड्रोन उठा के लेके जाना पड़ता है, आपको फिल करना पड़ता है, फिर इससे क्या आसानी होगी? आपने टैंक फर्टिलाइजर्स, वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स डालना होता है। तो आपने क्या किया, आपने टैंक उठाया, यू वेंट, यू फिल्ड and you just put it back onto the drone. इससे क्या हो रहा है, आपका operation downtime कम हो रहा है, plus इसका फ्रेम काफी robust है, all made in India solution. Another unique part is we have got 4G connectivity over the cloud. Now what is this feature? Nobody in the market is currently offering this. इससे क्या हो रहा है कि if you are the owner of the drone, आपने drone मेरे से purchase किया है, समझिए for example आपने 5 drone purchase किए, आपके हम एक computer dashboard का login देंगे, उसमें आपकी 5 ड्रोन्स फीड होंगे। जब भी ड्रोन स्टार्ट होगा, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन कि आपका ड्रोन स्टार्ट हुआ है, कहाँ ये स्प्रे कर रहा है, यू विल गेट लाइव लोकेशन कि ये यहाँ पर स्प्रे कर रहा है, इसने इतना एकर स्प्रे किया है, वो एकर में कितना फर्टिलाइजर स्प्रे किया है, वो एक वो पर्टिकुलर फार्म में व्हाट स्पीड, व्हाट हाइट, किस ये ड्रोन यूज कौन करते हैं? फार्मर्स। सी, हमें पता है कि इंडिया में जो फार्मर्स है 80% से ज्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जिनका खेत है ना 3 से 4 एकड़ से कम है। तो वी नो दैट फार्मर्स विल नॉट बाय द ड्रोन। हमारा टारगेट मार्केट है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स, सीड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। देर आर कंपनीज हु प्रोक्योर दीज ड्रोन्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दीज फार्मर्स। देर आर लॉट ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन आर रूरल एरियाज विच थ्रू द SMEM सब्सिडी स्कीम बाय द प्राइम मिनिस्टर, we will provide 50% subsidy on the drone. So if my drone cost is 7 lakhs, आगे entrepreneur को 3.5 lakh रुपए में पड़ रहा है, बाकी central government fund कर रहा है इसको, plus वो 3.5 lakh we have tie-ups with SBI and Union Bank of India, where we can get the finance done at just 6.5% rate of interest. So जब आपने शुरुआत करी थी एयरबॉस की, how many people were there initially? In my team,
Initially, for the first 4 months, it was just me and my co-founder, okay. Vishal. And uske baad, we got in our CTO. Then for the first 7 to 8 months, we are just a team of 6 people. Okay. Working rigorously, trying out new ideas. Once prototype was done, we had, till today, we are just a lean team of 15 people only. Humne 1.5 saal lagaya ye drone banane mein. Humne na takriban 600 hours ki flight testing ki hai, and with 8 drones, we have sprayed more than 10,000 acres in Maharashtra and Gujarat so far. And now, we will be selling these drones. So you think yours will become a profitable business? And you know, ye jo RCF studio mein set up kiya hai, this is presented by Dalmia Cement. Aur Dalmia Cement mein hame lagta hai ki agar aapke ghar ka roof, column aur foundation strong hai, to ghar strong hai. To ghar bilkul strong hai. I want to know aapke business mein wo foundation points kya hai jis pe aap believe karte hain ki that makes your business very very strong. So the first thing is the team effort, and with the team effort, your product should be strong. And with your product, your service should be strong. Once you have all these three in line, you know you have a good business. Great. Kis tarah ke challenges aapne face kiye? Because ye ek aisi industry hai jahan pe har koi experiment karna chahta hai, par jo aapke I think end users hain, wo itne technology ko leke smart nahi hai. Yes. Itne so, unko samjhana farmers correct. Ko. Correct. I think more difficult hoga technology introduce karna agriculture mein. Yes, we know ke farmers hamare kafi orthodox hai. Unne jab tractors bhi aaye the, to adoption ke liye unhe kafi samay laga. Correct. So humne kafi sare demonstrations kiye. We did POCs free of cost initially. Ke farmer ko wo ek crop cycle jo hai unka, hum unko spray kare aur unse pata chale ki aapki yield mein kya farak pad raha hai. So we did one POC in Solapur. We did for sugarcane farms. Now sugarcane ek aisa crop hai ki agar uski height 4 ya 5 feet se upar ho jati hai, to wo field ke andar ghusna kafi mushkil ho jata hai. Aur pesticide application to aap bhul hi jao. Because then it all comes back onto your face, onto your hands, aur isse kafi sari respiratory disorders, skin diseases wagera hoti hai. So we did that project, and you won't believe, the farmer had 18 to 20% yield difference. मतलब अगर वो फार्मर 100 किलो गन्ना निकाल रहा था, उसने वो पर्टिकुलर हार्वेस्ट में 120 किलो गन्ना निकाला, तो वो क्या हुआ, फार्मर के लिए प्रॉफिट हुआ. Yes. आज की तारीख में हमारे देश में फार्मर बहुत सैड है, दे आर कमिटिंग सुसाइड. व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर रेवेन्यू. अगर उनका क्रॉप डैमेज हो जाता है, तो देर आर नॉट प्रॉपर स्कीम्स फॉर देम टू बी एबल टू क्लेम इंश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. Now drone technology is revolutionizing that, because now the second model that we are coming up is a crop analysis drone. इससे क्या होगा, हमारा main customer जो है वो crop insurance companies है, क्योंकि आज की तारीख में जो fields पे उन्होंने area wise supervisors appoint किए हुए, जिसमें काफ़ी सारा fraud होता है, proper information नहीं जाता है, जो farmer का loss हुआ है उनको crop insurance नहीं मिलता है, और जिस farmer का field सही है उनको double insurance मिलता है, because वो supervisor को cut मिलता है. We know this technology will revolutionize the farming sector in the future, because this cuts off a lot of inefficiencies. Now, if you compare a manual method to a drone, okay, manual method mein kya ho raha hai? Ke aapka knapsack sprayer hai, aap spray kar rahe ho, right? कोई कोई एरियाज में आपने डबल स्प्रे कर दिया, कोई एरिया आपका छूट गया, तो वो इनएफिशिएंट है. ड्रोन में कैसा है, आपने अपना प्लॉट पॉइंट किया and you have fed into the drone that this amount of fertilizer will be sprayed, aur wo evenly spread hota hai. Plus time. Agar ek farmer ko 3 ghante lag rahe hain wo knapsack spray se 1 acre cover karne, drone kar raha hai sirf 7 minute ke andar. Danish, kabhi aisa lagta hai ki because ab khud ka aapka startup hai, ye airbots aerospace jo aap kar rahe hain, isme ups and downs, highs and lows aate rehte hain. Yes, definitely. Starting a business jitna लगता है, when yes, before starting you think के yes you'll be able to do it, but once you're in the shoes, so I want to know, ये जो problems आई और ये जो lows थे, ये down bad days होते हैं, how do you navigate through those days and what keeps you going, what keeps you moving? So I'll tell you about the low days. Initially we didn't have funding. We put in our own money for the prototype development. After that, we got our friends and family who invested a little bit into our company. That's what it propelled us. But
इट वॉज नॉट इनफ बिकॉज इट्स अ डीप टेक कंपनी, आपको R&D में काफी पैसा लगता है. द स्कीम्स दैट आर रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी वर गिवन अ स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड ऑफ 50 lakh rupees. Recently, we got a 25 lakh rupee grant from the government for agribusiness because we are amongst one of the best startups of our incubator. Okay. So, jabhi bhi koi challenge aayi, there was someone who made a step for us that we overcome that challenge and move forward. Nice. And that's always kept us going, both of us, me and Vishal both. Ki kabhi bhi koi challenge aaya, us waqt solution nahi mila, lekin haan, 4 din baad, 10 din baad uska solution mila hai aur aaj tak ऐसा नहीं हुआ है कि वी हैव नॉट पेड आवर स्टाफ सैलरी एंड नाउ वी प्राउडली से दैट वी हैव एन ऑर्डर बुक ऑफ 120 ड्रोन्स एंड दिस ईयर वी डिड अबाउट 1.5 CR इन रेवेन्यू जस्ट फ्रॉम द सर्विसेज बिजनेस एंड दिस ईयर टारगेट इज अबाउट 12 crores. एनी लर्निंग्स अगर कोई आपको देख रहे हैं और कोई सिमिलर एग्रीकल्चर बिजनेस में कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप उनको कोई टिप्स एडवाइस देना चाहेंगे? जैसे वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम योर बिजनेस मॉड्यूल इज दैट यू केप्ट योर प्रोडक्टिविटी इज नॉट देयर, तो आपका वो टाइम गया और आपका पैसा गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर हु यू वॉन्ट टू गेट इन योर कंपनी, लाइक द इनिशियल टू मेंबर्स ऑफ माई टीम, द फाउंडिंग मेंबर्स, द CTO एंड आर डिजाइन इंजीनियर, दे वर वेरी वेल एक्सपीरियंस, दे न्यू देयर जॉब. And that's what हमारा जो prototyping period था, it took us some time because we didn't have funds. Yeah. But we made a good product. Yeah. So hiring should be key and you should have that market research knowledge about what you're doing. Yeah. आपको किसको टैप करना है, कौन आपके क्लाइंट्स होने वाले हैं, that is very important. Yeah. We knew some people out there. So we said that के हम ये start करने जा रहे हैं. What do you feel about this sector? Yeah. What do you think how this technology adoption will happen or ye kis tarike se fayda karega, are we doing the right thing, and we got a positive response from all of them. That's what motivated us to start this. So doing proper research, hiring the right talent and keeping your goals in focus. Okay. You can't deviate from your goals. Yeah. You know that you are solving a very critical problem of the society right now. Yeah. And India mein to ये सक्सेस है. हमारे मोदी जी आप देखिए कितना प्रमोट कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में. लास्ट वीक मोदी जी ने 1000 ड्रोन डिस्ट्रीब्यूट किए नमो दीदी स्कीम के अंदर. ही इज मेड 1000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड दैट इज सो कमेंडेबल एंड वी नो दैट वी हैव अ फ्यूचर इन दिस सेक्टर. ग्रेट, थैंक यू सो मच दानिश, बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू. RCF स्टूडियो से इट्स टाइम टू से बाय बाय, बट Don't forget, dialogue strong, to story strong. I'm sure. RCS strong, to ghar strong. Thank you. Thank you. Thank